नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और जक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए एलजेब्रा पार्ट 10 और आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज अपन सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिग्री। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त अपन कंसेप्ट सीखेंगे डिग्री वाला, और वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जबरदस्त आपको मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। आज हो साहब पहला क्वेश्चन लेते हैं, और आज क्वेश्चन देखो जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए ना वो अपन ने उठाए। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, पहला ही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है क्या? क्वेश्चन ने बोला भाई साहब कि भैया इफ एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 6, देन आपसे पूछ रहा है एक्स की पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी। भैया ये क्वेश्चन सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कई बालक बालिका इस क्वेश्चन को देख के डर गए, भाई हमने तो ये सुना था एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो तो अपन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 4 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, लेकिन या तो भाई साहब एक्स की पावर 7 खुद दे दी, अब हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, कैसे निपटाएंगे इस क्वेश्चन को? देखो साहब, आपको दे रखा है एक्स की पावर 7, जिसके बेसिक्स क्लियर है ना उसके लिए क्वेश्चन हलवा है, फ्री के नंबर देके जाएगा ये क्वेश्चन, एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है एक्स की पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 21, ये लो साहब ये तो हम पता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे भैया इसको? अरे भाई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, एक बार के लिए इसको भूल जाओ कि एक्स की पावर 7 है। आप ये देखो 7 का कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, मतलब इस पूरे को अगर मैं एक्स मान लूं, इस पूरे को 1 अपॉन एक्स मान लूं, तो आप बोल सकते हो यहां क्या हो रहा है भैया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बस यही तो मैं पता करना था। इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा था कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 6 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, बस आपको पागल बना रहा था। हम पागल क्यों बने भाई, क्यों बनना है हमें पागल? बेहद आसान सा क्वेश्चन, अब तो हमें पता ही भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3a क्यूब कर देंगे यानी 6 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 216 माइनस क्या कर देंगे 3a कर देंगे, 3 * 6 कर दिया कितना आ गया, बोलो सर 216 माइनस 18 कर देंगे कितना आंसर आ गया 198। बताओ साहब ये क्वेश्चन आपने नहीं कर रखा क्या? आप बोलोगे सर कर रखा है, लेकिन इसने क्या कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा आपको घुमा दिया, लेकिन अपन घूमेंगे नहीं। अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा या इसके जैसा कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है तो हम उसको एग्जाम में सल्टा के आएंगे, ठीक है साहब। आ जाओ साहब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते ही कई लोगों ने क्या किया भैया, हाथ खड़े कर दिए ऐसे करके, भाई ये क्वेश्चन अपने से नहीं होगा, लेकिन अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आओ साहब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो इफ एक्स बराबर 10 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर रूट 11 हो तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखते ही कईयों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेरा तरीका होगा और एक आप अपना तरीका लगाओ, और कमेंट करो फटाफट से जब जैसे आप वीडियो देख रहे हो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मजा आने वाला है आपको। देखो साहब इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, एक बार मैं बेसिक बताता हूं, एक बार बताऊंगा मैं आपको अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है तो भैया उसको कैसे अपन 2 सेकंड में निपटाएंगे। देखो साहब x बराबर दे रखा है आपको, x बराबर दे रखा है भैया 10 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर है भैया, रूट के अंदर है 11, रूट है कितना 11, आप बोलोगे सर बिल्कुल रूट 11 आ गया, और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x, और एक बार आपसे पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है एक बार x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, ये लो साफ। अब आपको x प्लस 1 अपॉन x भी निकालना है और x माइनस 1 अपॉन x भी निकालना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आपने मैं बताया था अगर x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 है तो भैया 1 अपॉन एक्स के लिए क्या कर देते हैं अपन, केवल साइन चेंज हो जाता है, आप इनको ऐड कर दो, अपन ये चीजें सीख चुके हैं, तो 10 माइनस का 3 रूट 11 आ गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया ये कट गया यहाँ से, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, मैंने कहा बहुत बढ़िया शाबाश जबरदस्त जिंदाबाद। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, अब अपन निकालेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स, आपको मैंने बताया था क्या अगर साइन चेंज करना है प्लस से माइनस का कैसे करते हैं, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस का 4 करते हैं अंडर रूट के अंदर, मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब ऐसे ही करते हैं, तो साहब कर दो 20 का स्क्वायर किया कितना आ गया, आप बोलोगे सर 400 माइनस 4 कर दिया कितना आ गया, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं जिससे आपको एकदम नज़र में क्लियर हो जाए साहब, क्या लिखूंगा मैं इधर माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर कितना बच रहा है, आप बोलोगे सर 396 कितना बच रहा है 396, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो 36 into 11, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आंसर आपके इसी फॉर्म में, बाहर ले लिया ये 6 का हो गया भैया,
इधर कितना गया रूट के अंदर 11। तो देखो आपने वैल्यू निकाल दी किसकी, आपने निकाल दी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, आपने निकाल दी x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है दोनों को माइनस करना था, तो देखो 20 माइनस कितना आ गया बोलो सर 6√11। ये लो साहब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 - 6√11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो कितना मतलब कितनी सारी चीजें लग गई इसके अंदर। इसलिए बोलता है मैथ्स का एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन क्या हम इतना टाइम दे के आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने कहा भाई मेरे होते हुए आपको इतना टाइम देने की तो कतई जरूरत नहीं है, मैं देने नहीं दूंगा आपको इतना टाइम। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, ये मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है, ध्यान से देखो एक बार मेरी तरफ, मेरे साथ बने रहना, 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने लग जाओगे। देखो 10 + 3√11 है, ध्यान से देखो एक बार मेरे साथ, इसका स्क्वायर करो आप बोलोगे सर 100 हो रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना हो रहा है आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 और √11 का स्क्वायर कितना हो रहा है 99। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, क्या आ रहा है क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है ना, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो भैया कुछ भी नहीं करना, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है आपको तो आपको क्या कर देना, इस वाले जो नंबर है इसका क्या कर देना डबल कर देना, 10 × 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 × 2 कर देंगे कितना आ जाएगा भैया 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 × 2 कर देना कितना आ गया 20 कर देना, कितना आ गया 20 कर देना, ठीक है। अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो आपको इस वाले नंबर का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, डबल कर देना है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो भैया आपको क्या कर देना है इस वाले नंबर का डबल कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 6√11। देखो साहब यही तो हमने निकाला था, यही तो हमने निकाला था, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता हैं अब तो देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आंसर आ गया 20 - 6√11। बताओ अब ये वाला कंसेप्ट आप करके आओगे एग्जाम के अंदर या इस अप्रोच के साथ जाओगे इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मुझे लगता है अगर आपको ये अप्रोच पता है तो दूसरों से देखो कितना 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप बोलो सर ये तो जबरदस्त है, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना स्क्वायर का वो 1 आना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत करना नहीं आए और आप इस मतलब चिपका के आ जाओ आंसर, इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा हो, अरे सर ने तो बोला था अपन चिपका के आएंगे, नहीं भाई सर ने क्या बोला था, सर ने जो बोला था उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आप बोलोगे सर एकदम ध्यान देंगे, आ जाओ साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख के ना पब्लिक डर रही थी। अब देखो अगर आप जिस क्वेश्चन को देख के डरोगे उस क्वेश्चन को अगर आप 2 सेकंड में करने लग जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो लो साहब कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही तो करने आए अपन, आ जाओ साहब। ये लो एक और जबरदस्त एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ एक्स अपॉन एक्स ए प्लस वाई वी प्लस जेड सी इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, तथा आपको बोल रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक का अनुपात क्या होगा। देखो प्रत्येक का अनुपात यानी इसका 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 इनका अनुपात आपसे पूछ रहा है, देखने में भाई साहब ऐसा क्वेश्चन इसको देख के कप कपी छूट जाए, लेकिन हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को आप लोग भी कमेंट करके बताना जब अगर आप वीडियोस देख रहे हो उस टाइम कि भैया इसका आंसर क्या रहा है। आप कोशिश करा करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किससे क्या होगा आपका माइंड क्या होगा शार्प होता जाएगा, ठीक है, मेरे जैसे जैसे मेरा है। चलो आ जाओ साहब अब इस क्वेश्चन में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसने केवल एक लिमिट दी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको फिलफुल कर देते हैं ये लो साहब x बराबर y बराबर z, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं बराबर किसके 1 के, बहुत आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को आसान करना है, हमें स्टेप नहीं बढ़ाने भाई क्वेश्चन के, आपको प्रोसेस के नंबर नहीं देगा वो कतई नहीं देगा। देखो हमने जो आपके लिए जो कंडीशन रखी थी उसको फुलफिल कर दिया कि भैया इनको ऐड करने पर जीरो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना x बराबर y बराबर z। अब देखो वैल्यू पुट करो एक बार, इधर कितना आ रहा है बोलो सर 1, नीचे कितना आ गया x से है ना, कितना हो जाएगा भैया x की वैल्यू 1 है यानी कितना हो जाएगा a, नीचे y की वैल्यू 1 है b प्लस, ये लो साहब खेल खत्म, 1 अपॉन a प्लस b प्लस c, इसमें रखोगे तो भी यही आएगा, इधर रखोगे तो भी यही आएगा, ये लो आंसर ही आ गया आपका कितना 1 अपॉन a प्लस b प्लस c। 1 सेकंड के अंदर आप आंसर ला सकते हो, 1 सेकंड के अंदर अगर आपको चीजें पता है। और इन क्वेश्चंस ने डराया हुआ इंसानों को, मतलब 2017 जब हुआ मचा था ना CGL का कि भाई साहब हा हा क्या क्वेश्चन आए, उनमें से उठाए गए क्वेश्चन से। तो देखो मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन उनसे भी मजेदार इनका कंसेप्ट है। अब आ जाओ अब मेरे साथ बढ़ना, अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना भैया,
अब जो अपन सीखेंगे, जो कंसेप्ट अपन सीखेंगे, कंसेप्ट और डिग्री, भाई साहब ये आपकी दुनिया हिलाने वाला है, ये आपकी दुनिया हिला देगा, जलजला ला देगा भाई साहब। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है और इसमें 2017 के मेंस के जो धुएं धुएं क्वेश्चन आए थे ना, उनको अपन धुआं धुआं कर देंगे। आ जाओ मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहना जब तक मैं आपको सारा बेसिक नहीं समझा दूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन पर आएंगे। आ जाओ मेरे साथ फटाक से और धुआं उड़ाएंगे आज भाई साहब। देखो कंसेप्ट ऑफ डिग्री मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको समझना है होमोजीनियस, होमोजीनियस एक्सप्रेशन यानी समघाती व्यंजक क्या होते हैं, बहुत प्यार से सीखेंगे। आ जाओ मेरे साथ, देखो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, देखो समघाती, समघाती का मतलब है सम जिसकी घाते क्या हो आपकी एक जैसी हो, समघाती सबकी घाते क्या हो इक्वल हो। देखो इसकी घात कितनी है, एक इधर कितनी है, एक इधर कितनी है, यानी क्या हो गया होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया भैया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, क्या अभी भी ये होमोजीनियस है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होमोजीनियस है, देखो क्या हो गया भाई साहब समघाती व्यंजक हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। अब आ जाओ साहब, मैंने इसको लिख दिया ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो, 5 से 10 मिनट देख लेना, उसके बाद तो धुआं काट दोगे आप इन क्वेश्चनों का। देखो क्या ये भी होमोजीनियस है क्या, समघाती है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी पावर कितनी, घात कितनी, और इधर भी तीन, इधर भी तीन, और इधर भी तीन। मैं लिख दूं भाई साहब ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, क्या ये भी होमोजीनियस है क्या? बोलोगे सर होमोजीनियस ए बी, इसकी भी पावर एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, यानी ये आपके होमोजीनियस हो गया। समझ गए ना होमोजीनियस, यानी जिनकी पावर सबकी क्या हो एक जैसी सी लगे अपने को, वो सारे क्या होते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। अब आपको डिग्री का कैसे यूज़ करना है उसका ध्यान रखना। अब डिग्री का कैसे यूज़ करना है, 2-4 बातें लिखवाऊंगा मैं आपको, उसके साथ ही आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आ जाओ मेरे साथ, देखो क्या मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ भैया। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए ए बी सी, देखो ध्यान से इसकी पावर कितनी, आप बोलोगे सर इसकी पावर है 1, बी की पावर कितनी, आप बोलोगे सर 1, इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इसका आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना 1 1 1, ये 1 1 क्या है, ए की पावर है 1, बी की पावर है 1 और सी की पावर है 1, और ये किस में भैया मल्टीप्लाई में है ना, जब कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है वो मल्टीप्लाई में, साइन भी लगा देता हूं मैं आपको और नजर आ जाएगा। तो कभी भी आपके आपके नंबर क्या, आपके जो एक्सप्रेशन है ना वो किस में, वेरिएबल्स किस में हो आपके, आपके किस में हो, आपके मल्टीप्लाई में हो, तो आपको क्या करना है भैया पावर क्या होंगी ऐड होंगी, पावर क्या होंगी हमेशा ऐड होगी, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, आप बोलोगे सर इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, कि अगर आपके इस तरह से लिखा हो ना मल्टीप्लीकेशन में अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड है ए बी सी है, तो आपको क्या करना है जो पावर्स होंगी ना उनको आपको ऐड कर देना है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं भैया, मैंने लिख दिया भैया ए बी सी अपॉन क्या कर दिया मैंने सी कर दिया, ध्यान से देखना बहुत प्यार से समझना। अब देखो ऊपर कितनी पावर है, आप बोलो सर अभी अभी सीखे थे 1 + 1 + 1, क्यों किया 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो डिग्री कितनी आ जाएगी, इसको सम कर देंगे तो सम कर दिया तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। नीचे कितनी भैया सी की डिग्री कितनी, आप बोलोगे सर 1 है, ये लो साहब। अब देखो कभी भी डिवाइड में आएंगी ना तब आपको क्या करना है भैया इनका डिफरेंस ले लेना है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 3 और 1 का डिफरेंस कितना रहा है 2, तो आपकी इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ए प्लस का बी प्लस का सी, अब मैं आपसे पूछूंगा भैया इसकी डिग्री क्या है, आप फटाफट से क्या करोगे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 3 डिग्री आ गया। अरे भाई जब इधर भी 3 डिग्री आ रही है इधर भी 3 डिग्री आ रही है तो इसको मैं इनटू और प्लस में क्या डिफरेंस रहा, मतलब इनटू और प्लस का साइन तो एक जैसा हो गया। ध्यान रखना कभी भी आपके प्लस का साइन आ जाता है ना, जहाँ भी प्लस का साइन आ जाता है उसके बाद से अपन क्या कर देते हैं उसको नेगलेक्ट करना चालू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन आ गया ना उसके बाद से इसको नेगलेक्ट करना चालू कर देंगे, यानी इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर ए बचा, ए की पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, आप बोलोगे सर डिग्री कितनी आ गई 1 आ गई। समझ गए ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि प्लस के साइन के बाद के अपने नंबर जो भी आया क्या नंबर होगा, क्या कहते हैं आपके पास कोई भी ए बी सी एक्स वाई जेड होगा उसको अपन क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, आप बोलोगे सर ये भी क्लियर है। चौथी चीज़ अगर मैं लिखूं भैया आपके सामने, मैंने लिख दिया ए
माइनस का बी माइनस का सी। तो देखो अगर माइनस का साइन भी आ रहा है तो भी अपन क्या कर देंगे, आप बोलोगे सर अपन इधर भी क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखो इसकी डिग्री कितनी आ गई, ये नेगलेक्ट हो गए, यानी हमें किस पर फोकस करना है, इस ए पर। तो ए पर फोकस करेंगे भैया, और ए की डिग्री कितनी है, आप बोलोगे सर वन है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आप बोलोगे सर इस कहानी से हमें चार शिक्षा मिली। पहली शिक्षा क्या मिली, अगर ए बी सी इस फॉर्म में होगी आपकी, ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आपको क्या करना है, जो उसकी डिग्री आएगी क्या आएगी, जो उसकी पावर्स आएंगी ना उनको ऐड कर देना, वो आपकी डिग्री आ जाएगी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगर डिवाइड की फॉर्म में होंगे तो आपको क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है, वो आपकी डिग्री आ जाएगी। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। प्लस और माइनस को कंसीडर ही नहीं करते, अगर आपके पास प्लस और माइनस का साइन आ रहा है तो अपन उसके आगे वाले नंबर्स को या उसके ए बी सी एक्स वाई जेड को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। भाई तुम तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो ये चार पाँच चीज़ें आपको याद रखनी है डिग्री के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो डिग्री आपके क्वेश्चन की होगी वही डिग्री आपके आंसर की होगी, जो डिग्री आपके क्वेश्चन की होगी वही डिग्री आपके आंसर की होगी। मतलब मान लो कि आपके क्वेश्चन की डिग्री तीन है, तो जो आपके ऑप्शंस में जो आंसर सही होगा ना उसकी डिग्री भी कितनी मिलेगी, आपको तीन मिलेगी। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। मेरे साथ एक बार आग बंद करके ज़रूर बोलना कि भाई साहब डिग्री के चार नियम है। पहला नियम क्या है कि अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर को ऐड कर देंगे वही अपनी डिग्री होगी, डिवाइड की फॉर्म में पावर को माइनस कर देंगे वही हमारी डिग्री होगी, प्लस या माइनस से आपको क्या करना है, किसी नंबर के बाद कोई प्लस माइनस आ रहा है, किसी वेरिएबल के बाद प्लस माइनस आ रहा है तो आपको करना है उनको नेगलेक्ट मानते हुए चलना है। तो आपको उससे पहले वाली डिग्री रखनी है कि उससे पहले कितनी डिग्री है, वहीं पर अपने को कैलकुलेशन करनी है। और चौथी जो डिग्री आपके किसकी होगी, क्वेश्चन की होगी, वही डिग्री आपके किसकी होगी, आंसर की होगी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, अब तहलका मचाते हैं साहब, अब तहलका मचाते हैं, मेरे साथ आ जाओ 2017 के मेंस के धुएं धुएं क्वेश्चन को धुएं करने जा रहे हैं। फटाफट से आ जाओ मेरे साथ तुरंत प्रभाव से। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको डर जैसी फीलिंग नहीं आई क्या, क्या ऐसा मन नहीं किया कि इस क्वेश्चन को छोड़ आएँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल कतई यही मन कर रहा है कि इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएं, लेकिन प्यारे बालक बालिकाओं आज के बाद इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आप बोलोगे सर क्या पागल बना रहे हो, मैंने कहा पागल नहीं बना रहा हूं, करोगे भैया। देखो साहब एक चीज़ देखना, एक चीज़ समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यहाँ कितना ए क्यूब बी प्लस सी, नीचे कितना ए माइनस बी ए माइनस सी, प्लस बी क्यूब सी प्लस ए, नीचे कितना है बी माइनस सी बी माइनस सी, प्लस सी क्यूब ए प्लस बी, नीचे कितना है सी माइनस ए सी प्लस की। मैंने कहा एकदम ठीक बात है, गौर से देखो, गौर से देखना एक बार, अपनी आंखें फाड़ के देखना एक बार कि भैया क्या ये सारे के सारे एक जैसे से लग रहे हैं क्या, एक ही परिवार के चाचा ताऊ के लग रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर लग तो रहे हैं चाचा ताऊ के। देखो चाचा ताऊ के कैसे लग रहे हैं, ये इधर क्यूब इधर क्यूब इधर क्यूब, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इधर बी प्लस सी इधर सी प्लस है इधर ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस बी, यानी ये सारे के लग रहे हैं भाई साहब एक परिवार के लग रहे हैं। जब ये एक परिवार के लग रहे हैं यानी क्या हो गए भैया, ये होमोजीनियस हो गए। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि प्लस या माइनस का साइन आ जाए उसके बाद वाले जो आपके जो भी आपका एक्सप्रेशन आ रहा है उसको क्या कर देते हैं अपन, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये आ गया आपके सामने, ये आ गया प्लस का साइन, यानी इस पूरे को क्या कर देंगे अपन, नेगलेक्ट कर देंगे। ये लो साहब इसको भी क्या कर दिया अपन ने, नेगलेक्ट कर दिया। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था इसको अपन ने छोटे पार्ट में अभी तोड़ दिया, अभी और तोड़ेंगे। देखो साहब ये भी तो आपके क्या है, प्लस का साइन आ गया, यहाँ से भी नेगलेक्ट करो, इसको भी नेगलेक्ट करो और इसको भी नेगलेक्ट करो। अब क्वेश्चन क्या बन गया, इतना बड़ा क्वेश्चन था, क्या बन गया, ए क्यूब इधर कितना आ रहा है भैया, बी आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना इधर कितना है, आप बोलोगे सर ए है, मैंने क्या किया है ए के बाद वाला जो साइन है ना माइनस का, उसको मैंने क्या किया है, नेगलेक्ट कर दिया है, जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन ये आपके मल्टीप्लाई में इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर ए आ गया। अब ए के बाद क्या था, माइनस का सी था ना, यानी प्लस माइनस के साइन को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। अब देखो साहब कितनी डिग्री आ रही है, आप बोलोगे सर ऊपर कितनी हो गई, इसकी पावर है तीन इसकी पावर एक, अगर मल्टीप्लीकेशन में होती है तो ऐड हो जाती है, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। नीचे देखो इधर एक ये भी मल्टीप्लीकेशन में कितनी हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं भैया, अगर डिवाइड करते हैं तो डिग्री क्या हो जाती है आपके, माइनस हो जाती है, 4 में से 2 गया कितनी बची, 2। यानी आपके क्वेश्चन की जो डिग्री आई प्यारे बालक बालिकाओं 2 आई है, जिस ऑप्शन में आपकी डिग्री 2 आ जाएगी वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखो ए बी सी कितनी डिग्री आ रही है, एक 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 मल्टीप्लीकेशन में, यानी डिग्री कितनी आ रही है, 3। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए प्लस बी प्लस सी, देखो प्लस के बाद वालों को तो हटा देते हैं, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो इसकी तो डिग्री आ ही नहीं रही, ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखो एक बार
प्लस के बाद वाले या माइनस के बाद वाले एक्सप्रेशन को अपन हटा देते हैं। यहाँ क्या बचा, ए बी, ए की डिग्री एक, बी की डिग्री एक, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है तो भैया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जब होती है तो अपन क्या करते हैं, डिग्री को अपन जो पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं, भाई अपनी डिग्री आती है। ए और बी कितना हो गया, आप बोलोगे सर दो हो गया। देखो जो मैंने आपको बोला था कि भैया जो क्वेश्चन की डिग्री होगी वही डिग्री किसकी होगी, आंसर की होगी। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन 2017 मेंस का क्वेश्चन अपन ने उड़ा दिया। इसको आ रही है बात समझ में, आप बोलोगे सर एकदम कतई समझ में आ गई, अभी रुको जरा सबर करो, अब इस क्वेश्चन को आप खुद उड़ाओगे, अब इस क्वेश्चन को भैया आप खुद उड़ाओगे फटाफट से, अब इस क्वेश्चन को आप खुद उड़ाओगे। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, देखना भाई साहब सबसे पहले गौर करना, आके फाड़ के देखना क्या ये चाचा ताऊ कैसे लग रहे हैं, क्या एक ही परिवार के लग रहे हैं क्या। आप बोलोगे सर नजर तो आ रहा है, देखो क्या ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर C माइनस ए अपॉन ए माइनस का बी प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ब्रैक मल्टीप्लाई बी माइनस सी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे क्या भैया बी माइनस सी मल्टीप्लाई सी माइनस ए। देखो साहब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना एक बार, क्या ये एक जैसे से लग रहे हैं क्या सारे। आप बोलोगे सर कत्ता ही एक जैसे से लग रहे हैं, एक जैसे से लग रहे हैं तो भैया क्या करना है, प्लस और माइनस के साइन वाले को बाद वालों को क्या करना है, नेगलेट कर दो। ये लो साहब ये नेगलेट हो गया, ये नेगलेट हो गया, खत्म खेल। अब क्या बचा, आप बोलोगे सर यहाँ से इसको भी नेगलेट कर दो, इधर से ये भी नेगलेट हो गया और ये भी नेगलेट हो गया। अब क्या बचा ध्यान से देखना, ए इधर क्या है बी, और ये स्क्वायर को मत भूल जाना ठीक है, ये अपने को लगाना है। ये लो साहब नीचे कितना आ गया, आप बोलोगे सर सी, इधर कितना आ गया ए आ गया, कहानी खत्म होने जा रही है। आप बोलोगे सर खत्म कर दो कहानी, कत्ल कर दो इस क्वेश्चन का। ऊपर डिग्री कितनी हो गई देखो, इधर कितनी हो गई दो, इधर कितनी हो गई एक, दो और एक कितना हो गया भैया तीन हो गया, कितना हो गया तीन हो गया। इधर आओ भैया, इधर कितनी हो गई एक और एक कितना हो गया दो हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर यानी क्वेश्चन की डिग्री कितनी आ गई वन। अब हमें क्या ढूंढना है, ऑप्शन में ढूंढना है। देखो ये डिग्री क्या है भैया दो है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये कितनी है भैया डिग्री तीन है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आपकी डिग्री नहीं है तो इसका आंसर कतई नहीं होगा। इधर देखो ए प्लस बी प्लस सी, मैंने बोला प्लस माइनस का साइन वाले बात को नेगलेक्ट कर दो। ये लो साहब डिग्री कितनी है इसकी वन आ गई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कितना सा टाइम लगा भाई साहब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, अपने दिल पर हाथ रख के बताना सर, 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को निपटा दिया। जिस क्वेश्चन को देख के हम डर रहे थे उस क्वेश्चन को हमने डरा दिया, यही तो फायदा भैया आपको सीखने का। कंसेप्ट ऑफ डिग्री बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आगे बढ़े एक और क्वेश्चन ले, आप बोलो सर एक और क्वेश्चन लो, लो भाई एक और क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लेके आओगे ना तब आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सभी ऑप्शंस की डिग्री अलग अलग ही मिलेगी क्या। मैंने कहा यार एक जैसी भी मिल सकती है, कोई दो ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं इसकी डिग्री क्या हो सेम हो, तब अपन कैसे वेरीफाई करेंगे कौन सा आंसर है। तो उसी पर वैसे क्वेश्चन कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मज़ा आ जाएगा यार। जल्दी से सबसे पहले देखो सारे एक दूसरे के भाई बहन लग रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर कत्ते ही भाई बहन लग रहे हैं। देखो सब एक दूसरे के भाई बहन से लग रहे हैं, पावर कितनी है भैया। आप देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एक ही काम करना है, सबसे पहले तो एक ही काम करना है कि भैया हमें सबसे पहले अगर जो प्लस माइनस के बाद वाले नंबर आ रहे ना, जो आपके एक्स वाई जेड ए बी सी नज़र आ रहे ना, उनको क्या करो नेगलेट कर दो। मैंने कहा साहब कर दो साहब सबको नेगलेट, फिर अपन डिग्री निकालेंगे। देखो यहाँ से पूरा का पूरा नेगलेट हो गया, अरे भाई तू मत जा, तू तो यहीं रहे, तेरे को नेगलेट नहीं करना। ये पूरा नेगलेट हो गया, ये पूरा का पूरा नेगलेट, ये पूरा का पूरा नेगलेट, ये पूरा का पूरा नेगलेट। x की पावर 3, x की पावर 3 यानी डिग्री कितनी आ गई प्यारे, आप बोलोगे सर 3 डिग्री आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अब इधर देखो, यहाँ देखो यहाँ तो डिग्री कितनी आ रही है एक आ रही है, यहाँ कोई डिग्री नहीं आ रही। यहाँ देखो एक्स वाई जेड एक 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 कितनी डिग्री हो गई भैया, 3 डिग्री हो गई मल्टीप्लीकेशन में। एक्स वाई जेड एक 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 कितनी डिग्री हो गई भैया, 3 डिग्री हो गई मल्टीप्लीकेशन में। लो साहब अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे मेरे भाई, मेरे भाई अब क्या करोगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो जो सिखाया था उसके बाद तो विराम ही लग गया। मैंने कहा रुक जाओ, अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो हम भी क्वेश्चन को घुमाना जानते हैं। देखो साहब क्या कहीं पे यहाँ पे कुछ कोई कंडीशन लिखी हुई है क्या, आप बोलोगे सर किसी प्रकार की कोई कंडीशन लिखी हुई नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे सर कर दो। अब वैल्यू सबसे पुट करना आसान होता है, x बराबर y बराबर z बराबर 1।
देखो ऑप्शन में डिफरेंस आ रहा है नंबर का, वो आएगा ही आएगा। अब देखो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर देंगे भैया, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन, वाई की जगह वन, जेड की जगह वन, यहाँ रखो वन प्लस वन प्लस वन, यानी कितना हो गया वन प्लस वन प्लस वन, और इसका भी क्यूब हो रहा है भैया थ्री, ये लो सब पावर थ्री। माइनस का इधर देखना, वन प्लस वन कितना हो गया, आप बोलोगे सर वन प्लस वन कितना हो गया टू, टू माइनस वन कितना हो गया, आप बोलोगे सर वन, और वन का क्यूब करोगे तो आप वन ही आना है। माइनस का इधर वाई प्लस जेड कितना हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं, अपन डायरेक्ट भी तो करेंगे ना अब, चलो आ जाओ। तो देखो इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर टू, टू माइनस वन कितना हो गया वन, वन का क्यूब कर दो ये लो साहब, राजी खुशी करो, राजी खुशी रहो एकदम, ठीक है। इधर भी कितना हो गया, आप बोलोगे सर वन का क्यूब, देखो इधर कितना आ गया थ्री का क्यूब कितना होता है, आप बोलो सर 27, माइनस कितना हो गया, आप बोलो थ्री कितना आ गया 24। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पर। अब बताओ साहब 24 तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा ना आपको, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये लो ये आपका आंसर आ गया। और कितना घुमाएगा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्या घुमाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन घुमाता जाएगा अपन भी क्वेश्चन के साथ खेलते हुए चलेंगे। कहानी समझ में आ रही है, आप बोलोगे सर कतई समझ में आ रही है कहानी। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये लो साहब अगला क्वेश्चन आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, कई सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, अब मुझे पूरी उम्मीद है भाई साहब कि आप इस क्वेश्चन को निपटा दोगे, पूरी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस सी क्यूब ए क्यूब माइनस ए क्यूब बी क्यूब, क्या सबकी डिग्री एक जैसी लग रही है, पावर एक जैसी लग रही है, बोलो सर बिल्कुल लग रही है, तो ये होमोजीनियस हो गए क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हो गए। मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, देखो साहब ये आ रही है ए क्यूब बी क्यूब, यानी इसकी पावर अपन निकाल लें, इसकी डिग्री अपन निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इधर भी तीन इधर भी तीन, तीन और तीन ये मल्टीप्लाई में, यानी डिग्री कितनी आ गई क्वेश्चन की, छः, क्वेश्चन की डिग्री कितनी आ गई छः, एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म। देखो यहाँ तो नहीं आ रही, इधर देखो माइनस ये हट गया, इधर ए एक डिग्री एक डिग्री एक डिग्री, यानी इनको ऐड कर देंगे तो तीन डिग्री आ जाएगा, ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, सेम चीज प्लस प्लस ये हट गए सारे, इधर एक डिग्री एक और एक ये तीन हो गए, ये भी नहीं हो सकता, ये तीन डिग्री हो रही है नहीं हो सकता, यहाँ देखो एक 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 तीन डिग्री हो गई, आप बोलोगे सर हो गई, यहाँ देखो एक 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 प्लस वाले प्लस माइनस के बाद वालों को नेगलेक्ट कर देते हैं, एक 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 कितनी हो गई भैया तीन, तीन और तीन कितनी हो गई, आप बोलोगे सर छः डिग्री हो गई, हो गई क्या छः डिग्री, जो क्वेश्चन की डिग्री होती है वो आंसर की डिग्री आती है, टिक करके आओ ऑप्शन नंबर सी, खेल खत्म पैसा हजम। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, और उससे ही मजेदार ये अप्रोच है, एक क्वेश्चन में नहीं लगा रहा हूं मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन उठा के देखना 2017 14 18 इनके मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या, आप बोलो सर बढ़ जाओ साहब आगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ये लो साहब एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आ गया, आप बोलोगे सर नजर तो ऐसे ही आ रहा है कि मतलब इससे बेहतरीन क्वेश्चन है ही नहीं। चलो साहब अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इफ x प्लस वाई ए एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। देखो साहब यहाँ डिग्री तीन या तीन या तीन या तीन, यानी हम समझ गए क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन की डिग्री है भैया तीन, क्वेश्चन की डिग्री कितनी है तीन, समझ गए ना क्वेश्चन की डिग्री कितनी है तीन। अब जिस भी ऑप्शन से और जिस भी ऑप्शन में हमारी डिग्री तीन मिल जाएगी वही हमारा आंसर होगा। अब देखो जल्दबाजी में अपन क्या करेंगे, ये ए की पावर थ्री मिल गई इसको टिक करके आएंगे, अरे भाई यहाँ आगे भी तो देखो इधर भी तो कितनी होनी चाहिए थी, अगर ये होमोजीनियस है तो यहाँ भी पावर कितनी होनी चाहिए थी, तीन होनी चाहिए थी, यही तो मैंने आपको सिखाया था। ए प्लस बी प्लस सी होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इनकी पावर क्या है भाई साहब एक जैसी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि सबकी पावर क्या है दो दो है, तो यही तो आप देखो ना यहाँ पर पावर कितनी है तीन है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो भैया ये आंसर कैसे हो जाएगा, गलत हो गया। इधर देखो ए स्क्वायर यहाँ तो पावर तीन चाहिए, ये तो है ही नहीं भैया, ये तो सिरे से खारिज हो गया। इधर देखो ए क्यूब, देखो यहाँ देख के फिर अपन गलती करेंगे, भैया ए क्यूब पावर तीन मिल गई जो हमें चाहिए थी डिग्री, बोले नहीं यार आगे तो देखो, आगे तो देखो पीछे तो देखो की जगह आगे तो देखो कितना है भैया, आप बोलोगे सर इधर तो पावर कितनी डिग्री कितनी हो रही है दो हो रही है, तो यार डिग्री तो सेम होनी चाहिए थी ना, ये लो साहब ये भी खत्म। इधर देखो साहब ए क्यूब कितनी डिग्री हो रही है तीन डिग्री हो रही है इसकी, इधर देखो बी स्क्वायर पावर दो है इसकी बी की, इधर कितना है ए की पावर कितनी है वन, दोनों मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, आप बोलो सर इधर हो जाएंगे, इधर भी डिग्री तीन इधर भी डिग्री तीन, आंसर कितना आ गया डी, ये लो साहब खेल खत्म। मजा आ रहा है क्या, देखो साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन कितने सेकंड्स में खत्म हो रहे हैं, आज से पहले आप सोच सकते थे क्या कि भैया इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम के अंदर मतलब
चंद सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, सांस लो इतने में आंसर आ जाएगा, सांस लो इतने में आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देख के तो आपका दिल बहल जाएगा, किसी का दिल बहल जाएगा, किसी का दिल समझ जाएगा, जिसके कंसेप्ट एकदम क्लियर है इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देगा, और जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करेगा भाई साहब, हाथ जोड़ लेगा इस क्वेश्चन के आगे। चलो साहब आप मेरे कहने पर एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ़ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू हो तो एक्स की पावर एम प्लस वाई की पावर एम प्लस जेड की पावर एम प्लस डब्ल्यू की पावर एम, नीचे एक्स की पावर माइनस एम प्लस वाई की पावर माइनस एम प्लस जेड की पावर माइनस एम प्लस डब्ल्यू की पावर माइनस एम। क्या ये चाचा ताऊ के से लग रहे हैं, क्या भाई बहन से लग रहे हैं, क्या सिबलिंग से लग रहे हैं, क्या कजिन से लग रहे हैं, क्या? आप बोलोगे सर एकदम लग रहे हैं। जब लग रहे हैं तो भैया क्या करना है, प्लस और माइनस के बाद वालों को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, यानी यहां से लेके यहां तक को अपन क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन कितना सा बन गया देखो मेरे साथ, आओ मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, एक्स की पावर एम है, नीचे कितना है, आप बोलोगे सर एक्स की पावर कितनी है, माइनस का एम है। ठीक है साहब, आप क्या करोगे, एक्स की पावर एम और ये माइनस का जब एम करोगे ना, तो देखो ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, टू एम आ जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन से ये हमारा आ जाए वो हमारा आंसर है। देखो साहब इसकी डिग्री तो कितनी आ रही है, जीरो, खत्म। इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है जीरो, ये भी खत्म। यहाँ देखो चार आ रही है डिग्री, चार की पावर एम, चार फोर एम आ रहा है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, बचा क्या, ये आंसर ही हो साहब, खेल खत्म। पैसा आजम कितना सा टाइम लगा, मतलब इस क्वेश्चन को टाइप करने में जितना टाइम लगा होगा ना टाइपिस्ट को अपने से, उसके मतलब सौवें हिस्से में इस क्वेश्चन को अपन उड़ा देंगे। मजा आया कि नहीं आया मुझे बताओ, कि आज आपको कंसेप्ट ऑफ डिग्री मैंने पढ़ाई, ये पढ़कर आपको आनंद मिला कि नहीं मिला, मिला होगा कन्फर्म आपको आनंद मिला होगा। तो भाई साहब कुछ ऐसे ही टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, कुछ ऐसे ही कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, तो भाई आप डेली आया करो, मज़ा आएगा आपको। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा, आज के बाद इन क्वेश्चनों से डरना मत, इनसे लड़ना। तो भाई साहब कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।